हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा यह चौथा क्लास है मैथ में सब्जेक्टिव क्वेश्चन का, ठीक है। और आपको शुरुआत में ही हम बता दे रहे हैं कि क्लास का जैसे जैसे मतलब कि दिन और बढ़ेगा, क्लास का ड्यूरेशन यानी क्लास और धीरे धीरे लंबा ही होते जाएगा। शुरुआत में आप लोग देख रहे होंगे क्लास का थोड़ा सा हम कम मतलब कि रखे थे, फिर उसके बाद बढ़ा रहे हैं। अब जैसे जैसे और दिन बढ़ेगा क्लास का ड्यूरेशन मतलब क्लास का जो आप देख रहे हैं यह 1 घंटा से 1.5 घंटा 2 घंटा ऐसे बढ़ेगा, ठीक है ना। मतलब क्लास अब पूरा तरह से लंबा चलेगा। आप लोग बढ़िया से सब्जेक्टिव क्वेश्चन बढ़िया से सॉल्व कीजिए। मैथ है, बिना प्रैक्टिस के कुछ नहीं होगा, ठीक है ना। तो आप लोग सीखने पर ज़्यादा फोकस कीजिएगा, बाकी उसके लिए उसके बाद हम क्वेश्चन लाने के लिए हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन का लेवल भी बढ़ेगा, जैसे जैसे क्लास बढ़ेगा वैसे वैसे सब चीज बढ़ेगा, ठीक है ना। क्लास का टोटल टाइमिंग भी बढ़ जाएगा, ठीक है ना, 1.5 घंटा 2 घंटा हो जाएगा। क्वेश्चन का लेवल भी पूरा तरह से बढ़ेगा, तो यह मत सोचिएगा कि क्वेश्चन आसान है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, प्रूफ दैट, हमको इसको प्रूफ करना है। क्या है, tan inverse 1 tan inverse 2 tan inverse 3 = π। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है ना। क्या है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। देखिए कोई लोग प्रूफ भी कर देते हैं, ठीक है ना, लेकिन अंत में जो रीजन होता है ना वह इसका रीजन नहीं देते हैं, ठीक है। तो आप लोग समझिए क्वेश्चन बनता है, यदि वहाँ कुछ लॉजिक लगता है तो लॉजिक को लिखना भी जरूरी है। इस बात को आप लोग बढ़िया से ध्यान दीजिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 बोल रहा है इतना बराबर इतना प्रूफ कीजिए। मैथ बनाने का बहुत तरीका भी होता है, इसको 3-4 तरीका से भी बनाया जा सकता है। तो यह मत सोचिएगा कि जिस तरीका से हम बना रहे हैं उसी तरीका से बनेगा। बनाने के लिए तो इसको हम 3-4 तरीका से बना सकते हैं, ठीक है ना, लेकिन हम आपको सबसे बढ़िया सबसे आसान तरीका बताएंगे, और भी उससे बढ़िया तरीका होगा तो वह भी आपको हम बताएंगे। देखिए इस क्वेश्चन को सबसे आसान में, ठीक है ना, सबसे आराम से बनाने के लिए क्या है कि आप लोग LHS ले लीजिए, ठीक है ना। क्या ले लीजिए, LHS। LHS में बाबू लोग क्या है आपका, tan inverse 1 plus tan inverse 2 plus tan inverse 3 है, ठीक है ना। इतना का जो हमको सिद्ध करना है कितना है, 180 डिग्री है। आप लोगों को, ठीक है ना, हम पढ़ाए हैं कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z का फॉर्मूला क्या होता है, आप लोगों को याद है, ठीक है ना। इसका फॉर्मूला आप लोग कम से कम बाबू लोग याद रखिएगा, फॉर्मूला तो आप लोगों को याद करना ही पड़ेगा, इसमें कोई आपका नहीं चलेगा शिकायत की हाँ सर फॉर्मूला हमसे याद नहीं हो रहा है। आप लोगों को फॉर्मूला याद करना पड़ेगा। इसका देखिए फॉर्मूला क्या होता है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड माइनस का आपका एक्स वाई जेड, ठीक है, बाटा में आपका होता है 1 - xy माइनस का वाई जेड माइनस का जेड एक्स, यह आपका फॉर्मूला होता है। यदि किसी भी स्टूडेंट को यह फॉर्मूला नहीं याद है तो आज के बाद आप कभी भूलिएगा नहीं, ध्यान से सुनिए। tan इनवर्स x tan इनवर्स y tan इनवर्स z का फॉर्मूला लिखना है। इसमें एंगल मतलब कई गो है, 3 गो, एगो x है, एगो y है, एगो z है, ठीक है ना। जब भी 3 गो का फॉर्मूला पूछेगा, बहुत ही सिंपल, एक बार तीनों को जोड़िए, ठीक है ना, समझिएगा ध्यान से। tan इनवर्स x प्लस वाई मतलब tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z का फॉर्मूला क्या होता है, जो यहाँ पर रहेगा, ठीक है ना, जो यहाँ पर रहेगा इसको क्या करना है, तीनों को एक बार जोड़ना है और एक बार गुना करके घटाना है। देख रहे ना, x प्लस वाई प्लस जेड जोड़े हैं और इन तीनों को गुना करके घटाए हैं और फिर बाटा में 1 - अब अल्टरनेट घटाना है। अब क्या करना है, अल्टरनेट घटाना है, मतलब 1 में से अब xy फिर वाई जेड फिर जेड एक्स, याद हो गया। चलिए आगे देखिए बाबू, tan इनवर्स, ठीक है ना। अब ध्यान दीजिए कि x का काम कितना कर रहा है बाबू, 1, y का काम 2, z का मान 3, ये तो आपको समझ में आ गया। चलिए रखिए 1 + 2 + 3 माइनस का 1 * 2 * आपका कितना हो गया
तीन हो गया। अब वन माइनस, अब एक्स वाई है, वाई जेड है, क्या है, जेड एक्स है। चलिए तो करते हैं एक्स वाई में गुना, तो एक से दो में गुना करेंगे दो, दो से तीन में गुना करेंगे छः, और तीन से वन में गुना करेंगे क्या होगा, तीन होगा। गुना हम कर दिए, गुना करने के बाद बाबू लोग देखिए क्या बचा, ध्यान से, तीन दो पाँच एक छः, और माइनस का छः, ये कितना हो गया, छः तीन नौ और दो ग्यारह, वन माइनस ग्यारह, ठीक है ना। तो अब बाबू लोग देखिएगा छः में से छः गया जीरो, जब ऊपर ही जीरो हो गया तो नीचवा वाला कुछ वो कर लेगा, कुछ वो नहीं करेगा, यानी आपका बाबू आ गया टोटली टेन इनवर्स जीरो, ठीक है ना, टेन इनवर्स जीरो। अब यही समझने वाला बात है, कुछ लोग क्या करते हैं कि टेन इनवर्स जीरो का मान जीरो लिखते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, टेन इनवर्स जीरो का मान जीरो होता है, ठीक है ना, टेन इनवर्स जीरो का मान क्या होता है, जीरो होता है। लेकिन ध्यान दीजिए बाबू लोग कि टेन इनवर्स वन का मान कुछ ना कुछ तो आएगा, कितना आता है टेन इनवर्स वन का मान, 45 डिग्री। आप ही लोग बोलिएगा इस तीनों का जोग पाई आना चाहिए, ठीक है ना, लेकिन हम सॉल्व किए तो आंसर क्या आया है, जीरो। अब वो गलती दिया है कि हम गलती बनाए हैं, कन्फ्यूजन यहाँ से होता है। अब यहाँ लॉजिक काम करेगा, ठीक है ना, लॉजिक काम करेगा कि वो गलती दिया है कि हम गलती बनाए हैं, ठीक है, लॉजिक समझिए। टेन इनवर्स वन का मान बाबू होता है 45 डिग्री, होता है ना, आ ई वन से दो ज़्यादा है, ठीक है ना, तो इसका भी मान कुछ एंगल में आएगा, लेकिन 45 लेखा होगा, ज़्यादा आएगा, आएगा ना 100%, और तीन है तो इसका भी मान 45 ले ज्यादा आएगा। तो आप बताइएगा बाबू, इसका भी मान मान लीजिए कुछ ना कुछ अबे करेगा यहाँ पे, मतलब रिक्त स्थान दे देते हैं, प्लस इसका भी मान कुछ ना कुछ अबे करेगा, तो तीन मतलब टेन इनवर्स का मान मतलब तीन गो का जोग कभी भी जीरो आएगा, नहीं आएगा, जीरो तो आ ही नहीं सकता है ना, क्योंकि टेन इनवर्स वन का मान ऑलरेडी पहले ही 45 हम लोगों को मालूम है, और टेन इनवर्स दो का मान तो कुछ ना कुछ अबे करेगा, तीन का मान कुछ ना कुछ अबे करेगा, तो तीनों का जो क्या आएगा, जीरो आएगा। तो सर कहिएगा टेन इनवर्स जीरो का मान जीरो नहीं लिखेंगे, ये तो मान लीजिए गलती हो गया, ठीक है ना, हम जीरो नहीं लिख सकते हैं, काहे नहीं लिख सकते हैं, काहे तीन गो कुछ मान वाले टेन में आपका इसका आंसर जीरो नहीं हो सकता है, ठीक है ना। तो अब क्या करेंगे, अब देखेंगे टेन में जीरो मान और तो किसी का होता होगा ना, बड़ा एंगल जीरो से ज़्यादा और भी तो किसी का होता है ना, होता है, टेन में जीरो का मान जीरो होता है सबसे स्मॉल एंगल का, ठीक है ना, जीरो डिग्री का। लेकिन जब और थोड़ा सा आगे बढ़िएगा एक कदम, तो टेन 180 का मान क्या होता है, जीरो होता है, ठीक है ना। तो हम यहाँ टेन इनवर्स जीरो का मान क्या करेंगे, पाई लिखेंगे, ठीक है, हम यहाँ लिखेंगे चूंकि, ठीक है ना, ई वाला रीजन देंगे हम, ठीक है ना, तब आपका पाई वैलिड होगा, हमको रीजन देना पड़ेगा, हम यहाँ रीजन देंगे बाबू कि टेन इनवर्स वन, ठीक है, प्लस टेन इनवर्स दो, और प्लस टेन इनवर्स तीन के मतलब कुछ मान का जोग है, यहाँ लिख दीजिए कुछ मान का जोग है, इसलिए, ठीक है ना, इसलिए इसका जोग जीरो नहीं आ सकता है, ठीक है ना, यह कुछ मान का जोग है, इसीलिए इसका जो एंगल है वह जीरो नहीं आ सकता है। तो हम यहाँ लिखेंगे अतः, अतः टेन इनवर्स वन प्लस टेन इनवर्स दो प्लस टेन इनवर्स तीन बराबर पाई, ठीक है ना, आपका क्या हो गया बाबू लोग, प्रूव्ड हो गया, समझ गए ना, जीरो हमारा आंसर नहीं होगा क्योंकि तीन गो का जोग है ना, तीन गो का जोग कभी भी जीरो नहीं आ सकता है। तो अब देखेंगे ना कि जीरो से आगे,
किसका मान टेन जीरो लेता है, तो टेन 180 का मान निकालिएगा जीरो आ जाएगा, ठीक है ना। तो यह आपका हो गया, तो आप लोग ई वाला रिजल्ट लिख के और यहाँ ई वाला आप लोग ऐसे प्रूव कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलते हैं इसके आगे, बढ़िया से एक और बेहतरीन क्वेश्चन समझते हैं। तो आप लोगों के सामने क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 को जरा एक बार पढ़ लीजिए। क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है आप लोगों के लिए। आप लोग कहते हैं कि क्वेश्चन का थोड़ा लेवल बढ़ाइए, लेवल बढ़ गया है, जरा देख लीजिए। क्या है, टेन इनवर्स एक्स का स्क्वायर है, कोट इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर है, बराबर 5 पाई स्क्वायर बटा में 8 है। तो सॉल्व करके आपको एक्स का मान बताना है कि कितना होगा। बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है, ठीक है ना। यदि कोई स्टूडेंट इसको बना देता है, ठीक है ना, तो सही में वह अच्छा से पढ़ रहा है, रिवीजन कर रहा है। लेकिन जिससे नहीं बनता है तो यह मत सोचिए कि हम नहीं पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। आप पढ़ रहे हैं, लेकिन आपको ऐसा क्वेश्चन से भेंट नहीं हुआ है, इसीलिए आपसे यह शायद नहीं बना होगा। लेकिन बन जाएगा तो बहुत खुशी की बात है, यदि नहीं बनेगा तो देखने के बाद आराम से बना दीजिएगा, अब यह गारंटी है। देखिए आखिर बनेगा कैसे, यह क्वेश्चन है, ठीक है ना। इससे सॉल्व करके हमको एक्स का मान बताना है कि कितना होगा। बहुत ही सिंपल है, ठीक है ना। आप लोगों को पहले हम चलते हैं पूरा अच्छा से इसको बेसिक से समझाते हैं। आप लोग बताइएगा बाबू, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, तो कहिएगा सर ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस का 2ab, यही तो होता है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का यही ना फॉर्मूला होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। अब देखिए यह ए स्क्वायर आई प्लस का बी स्क्वायर है ना, तो इसके जगह पे हम ई वाला फॉर्मेट क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे। चलिए तो बाबू आपको अप्लाई करके हम दिखाते हैं। ए प्लस बी का होल स्क्वायर यानी टेन इनवर्स एक्स प्लस आपका कोट इनवर्स एक्स, यहाँ पे इसका हमने कर दिया स्क्वायर। सेम टू सेम फॉर्मूला समझिएगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab है, तो ए का काम यह कर रहा है ई बी का, लिख दे रहे हैं, ठीक है ना। ई आपका ए का काम कर रहा है, ई आपका बी का, 2 इंटू आपका टेन इनवर्स एक्स इंटू आपका हो गया कोट इनवर्स एक्स, बराबर आपका 5 पाई स्क्वायर बटा में क्या हो गया 8 हो गया ना। इसके बाद अब देखिए बाबू, आप लोगों को पढ़ाया गया है कि टेन इनवर्स एक्स प्लस कोट इनवर्स एक्स इसका जो कितना होता है पाई बाई 2, आप लोग याद है ना। तो यहाँ पे हम इसके जगह पे रख देते हैं पाई बटा 2 का होल स्क्वायर माइनस 2। यहाँ बाबू लोग टेन इनवर्स एक्स और कोट इनवर्स एक्स को क्या हम ऐसे लिख सकते हैं, पाई बटा में 2 माइनस का टेन इनवर्स एक्स, लिख सकते हैं बाबू लोग, बोलिएगा आप लोग कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिएगा। यह हो गया, ठीक है ना, क्योंकि इसका जो पाई बाई 2 होता है, ठीक है ना, तो इसका मान निकालेंगे तो पाई बाई 2 में से ये वाला घटबे करेगा, तो हम घटा के लिख दिए, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का फॉर्मूला है। अब इसके बाद देखिए हम क्या करेंगे बाबू लोग, कि हम यहाँ मान लेते हैं, ठीक है ना, क्या कर लेते हैं, मान लेते हैं, माना टेन इनवर्स एक्स बराबर हम के मान लेते हैं, ठीक है ना, क्योंकि आपको ज़्यादा परेशानी का सामना न करना पड़े। आप लोग इनवर्स देख के पता नहीं घबरा जाते हैं कि कैसे इतना इनवर्स का सवाल लंबा चौड़ा बनेगा, लंबा चौड़ा है इसीलिए हम इसको के मान लिए, ठीक है ना। इसको हम एक्स से मानते हैं, लेकिन एक्स एंगल ए में मतलब इसके जगह ये पे दिया हुआ है, इसीलिए हम एक्स नहीं माने, के मान लिए, ठीक है ना। आपको वाई मानना होगा, वाई भी मान सकते हैं। हम tan इनवर्स x बराबर के मान लिए। और देखिए जहाँ जहाँ tan इनवर्स x है वहाँ वहाँ हम बाबू लोग क्या रखते हैं, k। जरा इसका काम कर लेते हैं, इसका कितना होगा, पाई का स्क्वायर, तो पाई स्क्वायर, 2 का स्क्वायर क्या होगा 4 होगा, माइनस 2 tan इनवर्स x का मान क्या है, k यहाँ रख देते हैं, यहाँ पाई बाई 2 है, ठीक है ना, माइनस tan इनवर्स x का मान क्या है, k है।
बराबर आपका हो गया 5 पाई स्क्वायर, बटा में क्या हो गया 8 हो गया, हो गया ना। अब इसके बाद देखिए बाबू, ई वाला जानते हैं, ई वाला इसमें गुना होगा और इसे को उठा के हम इधर लाते हैं दोनों को, तो चलिए करते हैं एक के साथ। यहाँ आपका पाई स्क्वायर बटा में 4 माइनस ई वाला, देखिए ई वाला इसमें गुना होगा ना, तो 2 से 2 कटेगा, ठीक है, 2 से 2 कट जाएगा, तो आपका माइनस का क्या होगा, माइनस का के और पाई हो जाएगा। अब देखिए ई माइनस क्या होगा, प्लस होगा ना, और ई वाला अब इसमें गुना हो जाएगा, पूरा का पूरा लिखा जाएगा 2k पाई बराबर आपका 5 पाई स्क्वायर बटा में 8। क्योंकि इसको भी इधर ला देते हैं, ठीक है ना, इसको भी इधर ला के लिख देते हैं, तो माइनस में हो जाएगा क्योंकि इधर क्या में है, प्लस में है। अब देखिए ई वाला कैटेगरी और ई वाला कैटेगरी दोनों कैटेगरी सेम है, क्योंकि इसमें भी पाई स्क्वायर, इसमें भी पाई स्क्वायर, अब अचर संख्या इसमें भी है, इसमें भी है, तो इसका और इसका जोड़ घटाव क्या होगा, सेम होगा, ठीक है ना, क्योंकि जोड़ घटाव सेम कैटेगरी में होता है, ठीक है ना, गुना कोनों में हो जाएगा लेकिन जोड़ घटाव क्या होता है, सेम कैटेगरी में होता है। तो अब देखिएगा बाबू कैसे होगा, समझिएगा, इसको पहले लिखते हैं, ठीक है ना, इसको रुकिए, अच्छा रुकिए रुकिए, 2k के से k में गुना करेंगे तो k स्क्वायर होगा, पाई नहीं आएगा, ठीक है ना, पाई आपका नहीं आएगा, k से k में गुना करेंगे k स्क्वायर होगा। इसको देखिए पहले लिखते हैं 2k स्क्वायर, फिर इसको लिखते हैं माइनस का k पाई, आप ई लिखते हैं प्लस पाई स्क्वायर बटा में 4, अब माइनस का ई लिख देते हैं 5 पाई स्क्वायर बटा में 8 बराबर 0। अब देखिए बाबू हम यहाँ से क्या करते हैं, इसका जोड़ घटाव करके लिख देते हैं, ठीक है ना, आप लोग जोड़ घटाव कर लीजिएगा, 2k स्क्वायर माइनस का k पाई, इसका जोड़ घटाव कीजिएगा ना, तो 2 से गुना होगा तो 2 पाई स्क्वायर इसमें से घटेगा, तो आपका माइनस का 3 पाई स्क्वायर बटा में 8 आएगा, ठीक है, आप इसका लघुतम लीजिएगा इतना ही आएगा। अब देखिए, अब इतना करने के बाद देखिए बाबू हम यहाँ पर इसको लिखेंगे 2k स्क्वायर माइनस का k पाई, ठीक है, माइनस का बाबू है 3 पाई स्क्वायर बटा में 8 बराबर 0, ठीक है। अब यहाँ पे 8 है तो देखिए सुविधा के लिए आप यहाँ से भी इस द्विघात समीकरण को तोड़ सकते हैं, ठीक है ना, सुविधा के लिए इतना को भी आप द्विघात समीकरण तोड़ सकते हैं, लेकिन द्विघात समीकरण आपको यदि मान लीजिए कि यह टफ लगता है कि यह हमको तोड़ने नहीं आएगा, थोड़ा सा और मॉडिफाई कीजिए, हमको और आसान बना के दीजिए, लीजिए और आसान बनाते हैं, यहाँ से 8 क्या है ना, पूरा में लघुतम ले लीजिए, ठीक है, पूरा में बाबू लोग 8 लघुतम लीजिएगा, इसमें 8 से गुना होगा, ठीक है ना, क्योंकि इसके भी बाटा में 1 है, इसके भी बाटा में 1 है, तो 8 से इसमें गुना होगा तो 16k स्क्वायर होगा, इससे 8 में गुना होगा तो माइनस का 8k पाई होगा, ठीक है, अब माइनस का यह तो ज्यों का त्यों रह जाएगा 3 पाई स्क्वायर बराबर 0, ठीक है, इस 8 से इसमें 0 से गुना कीजिएगा, खत्म, 8 खत्म हो जाएगा, इस 8 से 0 में गुना कीजिएगा, आपका 8 क्या होगा, खत्म हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए बाबू क्या बचेगा, आपका 16k स्क्वायर माइनस का 8k पाई माइनस का 3 पाई स्क्वायर बराबर का क्या हो गया, 0। अब द्विघात समीकरण तोड़ दीजिए, 16 तिया 48, समझिएगा, आपको नहीं करने आता है बता देते हैं, 16 तिया 48, 48 को तोड़ दीजिए, 2 से कटेगा 24, 2 से कटेगा 12, 2 से कटेगा 6, 2 से कटेगा 3, हमको कैसे भी करके जोड़ घटाव करके 8 लाना है, ठीक है ना, 8 लाना है, 3 दुनी 6, 6 दुनी 12 और 2 दुनी 4, यानी 12 और 4 का पेयर बनेगा, तो बच्चों के 48 तो आ जाएगा, 16 तिया 48, लेकिन 12 में से 4 जाएगा 8 आ जाएगा, आ गया ना तोड़ने, अब मत कहेगा सब नहीं बताते हैं, डायरेक्ट करते हैं। अब देखिए क्या करेंगे, यहाँ 16k स्क्वायर, ठीक है, माइनस का 16 तिया 48 लिए थे ना, तो माइनस का 16k पाई प्लस का 4k पाई और माइनस का 3 पाई स्क्वायर बराबर 0, हो गया ना, इसको सॉल्व कीजिएगा कि वाला आ जाएगा, क्योंकि माइनस 16 में से 4 जाएगा, रुकिए रुकिए, 16 तिया 48
यहाँ 16 में से 4 लगे तो 12 होगा, कुछ गलती किए थे क्या हम? कितना लिए थे? बस अच्छा 16 चौके 64 हो गया ना जी। बट चौक करता है जहाँ माइनस का 12 के पाई होगा प्लस का 4 के पाई होगा, ठीक है। अब सही है, 12 में से 4 जाएगा 8 होगा। अब देखिए कॉमन क्या क्या मिल रहा है, कॉमन लीजिए एक इसके इसमें के मिल रहा है लेकिन और ही मिल रहा है 4 के मिल रहा है, ठीक है ना। 4 के हमारा कॉमन मिल रहा है तो इसमें से 4 के कॉमन लेंगे तो हमारा 4 के माइनस इसमें से क्या होगा 3 और यहाँ पे क्या होगा पाई होगा, ठीक है ना। क्योंकि 4 कॉमन लीजिएगा ठीक है 3 बचेगा, के कॉमन ले लिए ठीक है और क्या बचेगा पाई बचेगा। अब प्लस इसमें से क्या कॉमन लीजिएगा जी, इसमें तो खाली पाई ही मिल रहा है और कौन मिल रहा है नहीं, इसमें से हमारा सिर्फ पाई कॉमन मिल रहा है। तो पाई कॉमन लेंगे तो इसमें हमारा क्या होगा 4 पाई, ठीक है ना। 4 पाई नहीं होगा, पाई तो कॉमन लिए हैं 4 के ना होगा। और माइनस इसमें से पाई कॉमन लिए हैं तो क्या होगा 3 पाई बराबर 0। यह दोनों आपका क्या आ गया सेम आ गया, यह दोनों आपका सेम आ गया, इसका मतलब कि गुणनखंड क्या है सही है। तो अब लिख देते हैं इसको 4 के और माइनस का 3 पाई, ठीक है। और यह आपका क्या होगा 4 के और प्लस का पाई बराबर 0। यहाँ से बाबू लोग 4 के माइनस का यहाँ लिख देते हैं, इसलिए 4 के माइनस का 3 पाई बराबर 0, तो के का मान क्या आ जाएगा 3 पाई बटा में 4, ठीक है। यहाँ से इसलिए 0 करेंगे ई वाला 4 पाई फोर के प्लस पाई बराबर 0, तो आपका के का मान क्या हो जाएगा माइनस का पाई बटा में 4 हो गया। दोनों जगह से देखिए के का मान दो गो आ गया, एगो 3 पाई बटा में 4 और के का मान माइनस पाई बटा में 4। आ के बराबर हम कुछ माने थे यहाँ टेन इनवर्स एक्स, तो यहाँ लिख देते हैं टेन इनवर्स एक्स बराबर 3 पाई बटा में 4। और यहाँ के का मान टेन इनवर्स एक्स पुट करेंगे तो आपका माइनस पाई बटा में 4 होगा, ठीक है ना। अब देखिए टेन इनवर्स एक्स उधर जाएगा तो एक्स का मान क्या होगा टेन 3 पाई बटा में 4, ठीक है। और यह आपका टेन इनवर्स उधर जाएगा तो एक्स का मान क्या होगा आपका टेन इनवर्स माइनस का पाई बटा में 4। दोनों जगह से सॉल्व कीजिएगा, ई वाला माइनस बाहरी आएगा तो टेन पाई 4 का मान माइनस 1 हो जाएगा। आ इसको बनाइएगा तब तो भी आपका क्या होगा एक्स का मान क्या आएगा माइनस 1 आएगा, तो आपका टोटली यहां से आ गया एक्स बराबर माइनस 1, ठीक है। आप लोग इसको बढ़िया से समझ लीजिएगा, ठीक है। आप वीडियो फिर से एक बार थोड़ा पीछे करके एक बार समझ लीजिएगा क्योंकि बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, हो सकता है कि 5 नंबर में आ जाए 2 नंबर में जाए, ऐसा क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है ना। इसमें आपको थोड़ा सा बेसिक नॉलेज होना चाहिए द्विघात समीकरण तोड़ने का कैसे टूटता है, तो बाकी इसको नोट कीजिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर पर। तो आप लोगों के सामने क्वेश्चन नंबर 11 और क्वेश्चन नंबर 12 दोनों हम लिख दिए हैं, दोनों बहुत ही आसान क्वेश्चन है। शुरुआत में हम दो क्वेश्चन बहुत उसका लेवल लिए थे, ठीक है ना, लेकिन उसके बाद हमने आपको दो आसान क्वेश्चन दिया है। देखिए कैसे बनेगा इस क्वेश्चन को बनाने के लिए, साइन साइन इनवर्स एक्स क्या होता है, एक्स होता है, चाहे ई वाला एक दूसरे को उल्टा होता है तो हट जाएगा, तो क्या होगा यहाँ पे आपका बचेगा 1/5 और ई आपका ज्यों के त्यों कॉस इनवर्स एक्स बराबर 1। अब इस 1/5 को उस साइड लेके चलिए, ठीक है ना, तो इधर क्या बचेगा आपका कॉस इनवर्स एक्स बचेगा, ठीक है ना, तो 1 - 1/5। तो अब देखिएगा बाबू कॉस इनवर्स एक्स बराबर ई होगा तो कितना होगा 4/5 होगा, तो कॉस इनवर्स एक्स का मान कितना आ गया 4/5, तो ई कॉस इनवर्स उधर जाएगा तो एक्स बराबर आपका क्या हो जाएगा कॉस 4/5, ठीक है ना। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, ऐसे क्वेश्चन जानते हैं ज्यादा एक नंबरिया में देखने को मिलता है, ठीक है ना। बाकी आप लोग देखिए बनाने का तरीका सही होना चाहिए आपका।
ये देखिए कैसे बनेगा। सबसे पहले इस क्वेश्चन को बनाने के लिए ठीक है ना, हम लोग जानते हैं कि कोस इनवर्स माइनस एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, पाई माइनस का कोस इनवर्स एक्स होता है ना, बस लगा दीजिए। यो बहुत आसान सवाल है ठीक है ना। यहाँ देखिए यहाँ क्या होगा आपका, पाई माइनस कोस इनवर्स रूट तीन बटा में दो, और ये आपका प्लस का पाई बटा सिक्स हो गया ना, प्लस का आपका पाई बटा में सिक्स है। अब बताइएगा मेरे भाई कि कोस इनवर्स रूट तीन बटा दो मतलब कोस में रूट तीन बटा दो कितना एंगल का मान होता है, कहिएगा। साइन में तो 60 का होता है तो कोस में किसका होगा, 30 का ठीक है ना, यानी ये किसका होता है 30 का। तो यहाँ देखिए क्या लिखते हैं, कोस पाई माइनस 30 का होता है तो 30 को क्या लिख सकते हैं, माइनस का पाई बटा में 6 है, और इधर प्लस का पाई बटा में 6 है। ये दोनों कट गया तो यहाँ क्या हो गया कोस ठीक है ना, कोस और यहाँ क्या हो गया पाई, और कोस पाई का मान क्या होता है माइनस वन। और यहाँ से नोट कर लीजिएगा बबुआ लोग कि साइन पाई का मान क्या होता है, जीरो होता है ठीक है। क्या होता है, साइन पाई का मान जीरो होता है लेकिन कोस पाई का मान कितना होता है, माइनस वन ठीक है। यह आपको याद हो जाना चाहिए। एक आप लोगों से हम क्वेश्चन देते हैं, इसका जवाब कमेंट बॉक्स में दीजिएगा ठीक है, कि साइन इनवर्स दो प्लस कोस इनवर्स दो का मान क्या होगा, आप लोगों को बताना है। यह मेरे तरफ से क्वेश्चन है ठीक है ना, आप लोग बताइएगा। इस कल वीडियो आने से पहले इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दिखना चाहिए कि साइन इनवर्स दो प्लस कोस इनवर्स दो का मान क्या होगा। लेकिन आप यहां से याद रखिएगा कि कोस पाई का मान माइनस वन और साइन पाई का मान क्या होता है, जीरो होता है। तो इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 और ये को ले लीजिए 13 तक हम लोगों ने देख लिया है। बाकी और जैसे जैसे दिन बढ़ेगा क्लास लंबा होते जाएगा। आप लोग क्वेश्चन कैसा लगा इस वीडियो में कमेंट करके बताइएगा। बाकी मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में। जय हिंद जय भारत।